सबसे पहले तो ये वाला एरिया अपने को पूरा पैक करना है ताकि यहाँ पे पूरा गाड़ी वाड़ी रखने के लिए जगह हो जाए, और ये वाला एरिया तो खुला ही रखेंगे पेड़ पौधों के लिए। एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँचों बोरी अपन को छत पे लेके जाना। और भाई बहुत भारी है, कुछ है तो नहीं अंदर? अरे ये तो बड़े आसानी से निकल गया। मैं आ गया तार लेके, मैं आ गया पूरा बेकार करने। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोचा हो गया, ये खुल ही नहीं रहा, पता नहीं इतना टाइट बन रहा है। गाइस आज मेरे साथ पोपटी पोपट हो रहा है भाई, मेरे साथ तो पोपट हो गया। चलो भाई फाइनली हो गया अपना काम, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। ऐसे लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस चलो खाना खाने बैठते हैं, मैं और निशु खा रहे हैं। तो गाइस आज खाने में बनी है मैदे की सब्जी, रोटी और ये रहे चावल। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले टीवी को ओपन कर लेते हैं और वहीं पे नीचे रख लेते हैं। टीवी का स्टैंड रहता है ना, तो वहीं के वहीं नीचे रख देते हैं अपन टीवी को, फिर जब ड्रिल मशीन आएगी तो ड्रिल करके अपन ऊपर साइड पे छेद करके टीवी को वहीं के वहीं फिक्स कर देंगे। गाइस फाइनली टीवी ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे पास डेटा है और ना हमारे पास पेन ड्राइव है कि हम पेन ड्राइव लगा के कोई पिक्चर उसमें देख सके। तो गाइस अभी मैंने टीवी को वापस इसके अंदर पैक कर दिया, और एक चीज़ मुझे आज नहीं पता लगी, वो भी 1.5 साल बाद, मैं ऑन ऑफ की बटन वो यहाँ पे दी हुई बिल्कुल नीचे साइड पे, ये है ऑन ऑफ की बटन। देखो लकड़ी वाली चेयर और ये वाला स्टूल दोनों ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर बैठने के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी कुछ है तो नहीं ऊपर बैठने के लिए, तो ये दोनों चीज़ काम आ जाएगी बैठने के लिए। तो गाइस अभी सारे गेहूं लेकर आना है ऊपर छत पे सूख रहे हो, अब इसको इस टंकी में डालना है वापस से, और फिर इस टंकी को पैक कर देंगे। तो गाइस फाइनली पूरी टंकी भर दी है, और इससे फायदा ये रहेगा कि अपना जो यहाँ पे स्पेस जो बोरियों ने ले रखी थी वो स्पेस अपने को अब खाली हो चुका है। बस ये 2-3 बॉक्स रखे, किताब इसमें सारी बुक्स रखी हमारी, तो ये बुक्स को अब देखते हैं वहाँ पे रख देंगे। अरे इतना सारा लेकर आ रहे हो, बता देते मैं ले आता साबुन का और तू गया था तो वॉशरूम करने वाला का इतना सारा पानी तूने खराब कर दिया ना। तो गाइस इंजेक्शन भी फोड़ दिया है गेहूं के अंदर, अब इसमें घुन नहीं लगेगी। ले तेरी रोटी गर्म हो गई है, रोटी खा ले, हमने तो खा लिया, और तेरी ब्रेड भी सिक रही है वहाँ पे। इतनी सारी मेरा पेट भर जाएगा, भर के दो। अरे नहीं बची ना आज, इतनी बची है तो भर के दो ना तो। अरे छोले की होगी ना, इसको छोले की दे दो खाली। गाइस यार अभी मैं पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ, काफी दिन हो गए पॉपकॉर्न खाए नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैंने भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं, अब इनको मैं डालने वाला हूँ कुकर में, सीटी निकालना पड़ेगी नहीं तो फिर अपने पॉपकॉर्न सही से नहीं बनेंगे। तो कभी भी अपन को जब भी पॉपकॉर्न बनाना हो तो जो कुकर का ढक्कन रहता है ना उसके ऊपर से सीटी निकालना पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ढक्कन क्लोज कर दिया, और उसमें से मेरे को पॉपकॉर्न फूटने की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस अपने पॉपकॉर्न बनके रेडी हो चुके हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे बने हैं। तो मैंने शायद जल्दी खोल दिया था इसलिए पूरे दाने फूटे नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ कुछ दाने बचे हुए। तो गाइस नल आ चुका है और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली टंकी भरने की, ऊपर की टंकी भर जाएगी, ये वाला वॉल मैंने बंद कर दिया है। दो अलग अलग पेड़ है क्या ये? ओहो हीरो जान दे, सीधी सीधी जान दे, बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीधी। रुक जाना मैं आ रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे मेरे को बिठा ले भाई, अरे रुक जा भाई। चलो 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 जान दो जान दो जान दो। आपको दिक्कत हो? नहीं नहीं वो तो क्या है इधर कभी कोई गड़बड़ हो जाती है लोकेशन। नहीं मैं लोकेशन एक्चुअली डाली थी घर की, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं यहाँ आ रहे भैया कस्टम में आना था इधर आना, तो दो तीन बार आपने कॉल कर लिया, मैं तो मेन रोड पे आ रहा था, मेरे पास गाड़ी नहीं है अभी। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो गाइस ऑर्डर आ चुका है हमारा, कल के जैसे हमने ऑर्डर कर दिया पनीर कुल्चे जो कि निशु को बहुत ज्यादा फेवरेट है। देखो कैसे हो रहा है। अरे एक दिक्कत हो गई, अभी वो जियो वाले का फोन आया था वो भी आ रहा है अभी। तो गाइस अभी जियो वाले भैया आए थे तो वो कह रहे थे कि हम कल आएंगे आपके यहाँ पे, कल इंजीनियर को लेकर आएंगे, और फिर इंजीनियर अगर अप्रूव कर देगा तो आपका कनेक्शन हम दे देंगे। तो गाइस पापा आ चुके हैं और पापा साथ में लेकर आए जलेबी। ओ भाई मेरे को दे यार। अरे इधर पानी आ रहा है, अरे टूट गया। अच्छा पहले से ही निकला है पाइप।
तो गए जब इनिशु छत पे गया था और देखो वहां से पूरा का पूरा लोअर भी पूरे गीले हो गए, पापा भी गीले हो गए और तेरा लोअर भी खराब हो गया, पापा भी गीले हो गए। बता भाई ऐसे क्या नहा रहे थे क्या टंकी में? नहीं, फिर वो नल खोला था। कौन सा वाला? मैंने कहा था कौन सा वाला, बलून वाला खोल दिया था। फिर तो भाई बहुत खतरनाक वाला प्रेशर आया होगा। और फिर बलून कैसे लगाया? बंद करके। आज क्या है, ट्यूसडे है। हाँ परसों की बात है। हाँ परसों अपन ने क्यूल ठोके थे ना घड़ी टांगने के लिए, तभी तो बदली थी सेल उसकी। अरे वो आगे बढ़ो, आगे डांस क्लास का देखना ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। साइड में रास्ते में जाने जाने में दिक्कत होती है। रास्ते की बात है, कोई यहाँ जाएगी साइकिल।